इसे काट लेगा यार ये। यार एग्रेसिव है बहुत भाई, मेरे को काटा हुआ है दो तीन बार। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई नितेश आज अपने कैनन में एक नया पैरेट लेके आया है भाई। पता नहीं दो तीन दिन से इसके पास था ये, और ये मेरे को डेली कॉल करता था, तो बट भाई मैं तो इसको ला नहीं पाया। और नितेश भाई आज इसको कैनन में लेकर आ गया है इधर। तो भाई नितेश को पूछते हैं किधर से लाए भाई। नितेश किधर से लेके आया यार ये पैरेट? अभी क्या है कि मैं दो तीन दिन पहले ना घास लेने जा रहा था खेत में, तो ये मेरे को नीचे मिला था, घायल अवस्था में, तो इसको मैं लेके आ गया था घर पर। और फिर दो तीन दिन रखा इसको, फूड रे भी दिया था मैं, चने वने रे, तो इसको मैं छोड़ दिया था। तो ये शाम को वापस आ गया, वहाँ पे आके बैठ गया पिंजरे पर जहाँ पे तू रखता था। फिर वहाँ पे वापस फूड दिया, फिर थोड़ी दूर जाके फिर वापस आ। दवाई वाई लगा दिया वैसे तू? दवाई लगाया तो था। कहाँ से हो रहा है घायल? ये पंख के पास से हो रहा है यार, ये एग्रेसिव। हाँ तो भाई ये नितेश को खेत में मिला है, जैसा कि आपने आपको नितेश ने बताया दिया। इसके थोड़े पैरके भी लगी हुई है, तो नितेश ने इसके दवाई भी लगाई थी, और अभी इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसको थोड़ा फूड वूड भी खिलाएंगे, और अपने पास ही रहेगा जितने दिन ये सही होगा, फिर इसको वापस उड़ा देंगे। क्या है कि नितेश इसको उड़ाया भी था कल शाम को, बट भाई ये इनके घर से गया ही नहीं। उस जिस केज में नितेश इसको रख रखा था वहाँ पर बैठ गया। तो अभी तो क्या करते हैं, इसको इधर बंद कर देते हैं, जो अपने छोटे वाले रैबिट का केज है जो येलो कलर वाला, उसमें नितेश ने भाई इसको इधर छोड़ दिया है, और ये भाई उड़ रहा भी नहीं है। तो नितेश किधर छोड़े भाई इसको? पिंजरे में। कौन से में? इसमें। अरे इसमें तो नहीं, उसमें कर लेते हैं, खरगोश वाले में। इस खरगोश को इधर बंद कर देते हैं। तो ले इसको पकड़ के भाई, जब तक ऐसे ही होगा तब तक इसको इस केज में रख लेंगे, और फिर दवाई ववाई लगा इसके लिए अभी दवाई भी ले आऊँगा मैं। इधर बंद कर देते हैं इन खरगोशों के पास। इनके पास भाई रंजका भी नहीं है, मतलब जवान नहीं है भाई इनकी। तो नितेश इसको तो उस केज में बंद कर दे, उधर उधर से तू जवान ले आ, मैं बंद करता हूँ इसको। हाँ भाई, तो भाई नितेश ने खरगोशों को भी जवान डाल दिए इधर। नितेश भाई ये तो खा रहे नहीं, अरे ये खाएगा भाई ये जी। हाँ तो भाई अपना जो पैरेट है वो जवान नहीं खा रहा, क्योंकि भाई ये नया नया कैनन में, तो ये खाने लग जाएगा एक दो दिन में। और भाई इधर चेक करिए, जो अपनी गोल्डी थी वो भी वापस कैनन में आ गई है, क्योंकि भाई जिस भाई को दिया था उस भाई ने मेरे को वापस दे दी है, उसको थोड़ा काम है अभी, तो उस वजह से अब गोल्डी भी अपनी कैनन में रहेगी। हाँ गोल्डी, हाँ टिक्स का भी लगवाएंगे भाई, 10 दिन बाद में ये गोल्डी कैनन में, और अब अपने पास ही रहेगी। अब भाई किसी को भी नहीं दूंगा वापस ये, वो तो भाई शौक के लिए ले आता है इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, गोल्डी तो इधर रहेगी। और अभी क्या करना है मेरे को, नितेश को जो अपनी रोटविलर और डब्बू है उसके भाई इंजेक्शन लगवा के लाना है रेबीज का, हॉस्पिटल में ले जाके। तो अभी मैं और नितेश जाते हैं, और इनके भी थोड़ा इंजेक्शन वगैरह लगवा लेते हैं। गोल्डी की एक दो वैक्सीनेशन करवानी है, और इसके टिक्स वगैरह के इंजेक्शन, और रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है, और डब्बू के रेबीज का, क्योंकि भाई उसके तो वैक्सीनेशन लगा हुआ है। तो नितेश इसको ले आ रोटविलर को, मैं उधर से डब्बू को ले लेता हूँ, और भाई जल्दी से जाते हैं क्योंकि भाई हॉस्पिटल बंद होने वाला है। ले नितेश भाई ले इसको, सोनू घोटा ले आ सोनू। तो भाई हमने डब्बू को चैन से बांध लिया है, और भाई सोनू को नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी डॉक्टर को कॉल करके पूछा था, तो उसने बताया कि भाई जब तक 3 महीने की नहीं होगी तब तक इसके कोई रेबीज का इंजेक्शन नहीं लग सकता, ओनली बस इसके वैक्सीनेशन लगेंगे। तो वैक्सीनेशन हम इसके घर पर लगवा लेंगे, क्योंकि भाई वो हॉस्पिटल भी दूर पड़ता है, भाई दोनों को एक साथ लेके भी नहीं जा सकता मैं। तो सोनू के वैक्सीनेशन बाद में लगवाएंगे, पहले डब्बू के इंजेक्शन लगवा के ले आते हैं। नीचे चले मैं बाइक लेके आता हूँ, तू इसको उधर ले चल, गेट खोल जाके। डबू डबू
क्या हो गया बता। हाँ इधर से इधर ओके थोड़ा डर रहे हैं यहाँ पे। बस हाँ तो भाई नितेश इसको इधर बांध दे डबू। तो दोस्तों फाइनली यार हम इसके इंजेक्शन भी लगवा के घर पे आ गए हैं और भाई डब्बू ने मेरे को थोड़ा सा काट भी लिया, मतलब नाखून लगा दिया यार मेरे हाथ को, स्क्रैच कर दिया, छील दिया थोड़ा थोड़ा। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसके रेबीज का इंजेक्शन लगने के बाद हुआ है ये। और नितेश इसको बांध दे भाई, पानी वानी रख दे इसको इधर। इसको तो भाई मैं दवाई दिलाने लेके गया डब्बू, आ जा। और भाई अब उधर अपने पैरट के पास चलते हैं, उसको भी थोड़ा दाना वाना डालते हैं और एक बार देखते हैं खरगोशों और गोशों को। और भाई ये गोल्डी और जर्मन शेफर्ड अपनी इधर है भाई, पापा जी इसको भी इधर बंद करके गए हैं जर्मन शेफर्ड को, गोल्डी को तो मैं करके गया था। और भाई एक बार खरगोशों को चेक करो। ओ भाई ये क्या हो गया इस पैरट के, यार ये कैसे हुआ भाई, ये सोरा दिखता है। नितेश भाई जल्दी है एक बार, यार ये पता नहीं भाई किस क्या हो गया इसके। दोस्तों कैनन में आते भाई एक इतनी बुरी न्यूज मिली है, जो अभी हम पैरट लेके आए थे भाई वो मेरे को इधर आते ही मरा मिला है भाई। यार नितेश भाई इसको चेक कर यार, भाई ये कैसे मर गया पता नहीं यार भाई, यार इसके एज में मरा पड़ा है यार ये। तो भाई ये कैसे मर गया, कोई डॉग वॉग ने अटैक कर दिया होगा, डॉग भी भाई अंदर थे यार। डॉग ने तो नहीं किया अटैक, डॉग यहां पर कैसे आ सकता है यार, ये भाई ये कैसे हुआ भाई, अब क्या करें, दफना कहेंगे इसको यार, शायद भगवान को यही मंजूर था इसको इधर लाके मारना। तो अभी क्या करते हैं, मैं और नितेश इसको दफना के आते हैं। नितेश ले आ भाई यार, मैं इसके भाई दवाई लगाने आया था, इसको पानी रखने आया था, बट भाई पता नहीं था कि यार ऐसा हो जाएगा इसके साथ। अरे यार इसको उड़ाने में था मैं एक दो दिन में, पर कोई नहीं भाई, चलो होना था जो हो गया। आ जा नितेश भाई, कितना क्यूट था भाई यार ये। नितेश भाई मिट्टी डाल इस पे, से दबा दे भाई। तो भाई हमने इस पैरट को भी दफना दिया है और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।